हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना क्लीनअप रूटीन शेयर करूंगी, जैसे मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। सो मैं सारे प्रोडक्ट पतंजलि के यूज़ करूंगी आज। सो मैंने पतंजलि का फेस वॉश लिया है और स्क्रब लिया है और एलोवेरा जेल लिया है और फेसपैक मैंने लिया है। सो फ्रेंड, चलो मैं कैसे क्लीनअप करती हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी। ये पतंजलि का फेस वॉश है, ऑरेंज फेस वॉश, तो इससे मैं अपना फेस वॉश करूँगी। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ तब तक। सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो मैं अपने फेस को वाइप कर दूँगी। कभी भी फेस हमें ऐसे ऐसे करके रगड़ के नहीं पोछना रहता है, हमेशा ऐसे टैप करके हमें पोछना रहता है, या ऐसे ऐसे करके टैप करके आप पोछिए, कभी भी ऐसे रगड़ के फेस में। अब मैं यूज़ करूँगी जो पतंजलि का स्क्रब रहता है, मैं उसे अब यूज़ करूँगी। एप्रिकॉट स्क्रब है पतंजलि का, उसे यूज़ करूँगी। जो अपने फिंगर होता है बीच का तीनों, इससे हम इसे गोलाई में ऐसे मसाज करेंगे। कभी भी ऐसे ऐसे मत कीजिए, इसे गोलाई में ऐसे करके मसाज किया कीजिए। मेन हमारा ब्लैक हेड जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छे से इसे मसाज कीजिए, और यहाँ पे, और ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो गोलाई में हमेशा मसाज करना चाहिए। मैंने पतंजलि के प्रोडक्ट के साथ मैंने आपको क्लीनअप दिखाया है, अगर आपको कोई और प्रोडक्ट पसंद है तो आप उससे भी कर सकते हो। पतंजलि के बाद या कह सकते हैं कि पतंजलि के पहले मुझे एवरेथ के प्रोडक्ट बहुत पसंद है। एवरेथ का जो स्क्रब रहता है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैंने पतंजलि का स्क्रब यूज़ किया था तो वो भी ठीक है। सो फ्रेंड, मेरा स्क्रबिंग हो गया, देखिए पूरा क्रीम अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है चेहरे में। सो अभी मैं इसे वॉश कर देती हूँ और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो मैंने ये फेस वॉश कर लिया। सो मैं अभी जो फेस पैक है वो लगाऊंगी। इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही लिक्विड फॉर्म में रहता है। कभी भी अंडर आई के नीचे फेस पैक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद वहाँ की त्वचा, जो स्किन रहता है वहाँ की त्वचा खींचती है, तो झुर्रियाँ पड़ने का चांस हो सकता है, इसलिए अंडर आई। सो अभी ड्राई हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा ड्राई होने में। मेरा फेस पैक सूख गया है, तो इसे मैं अभी साफ करके बोल नहीं पा रही क्योंकि बहुत ही ड्राई हो गया है। सो आप इसे डायरेक्ट धो सकते हो पानी से, नहीं तो कॉटन या किसी रुमाल से इसे साफ कर सकते हैं। मैंने कॉटन का रुमाल लिया है तो मैं उसी से साफ करूँगी।
आपको जो मतलब ब्रांड पसंद है वो ब्रांड लाके तो उससे आप क्लीन अप कर सकते हो। वैसे तो पतंजलि के प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे रहते हैं तो मैं उसी से क्लीन अप करती हूँ। सो हमें हफ्ते में एक बार तो क्लीन अप अपने चेहरे का करना ही चाहिए, जैसे हम अपने फिर उसके बाद जो ये जेल है एलोवेरा जेल, मैंने केसर चंदन लिया। अगर आपके पास ग्रीन वाला जेल है सिंपल एलोवेरा जेल वो भी यूज़ कर सकते हो, या आपके पास एलोवेरा का पौधा है वो भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने ये जेल लिया, सबसे पहले मैं इसे ऐसे फैला दूंगी। जो ऐसे आप करके हाथ और जो यहाँ की जो उंगली रहती है उससे मसाज कीजिए। जब तक जेल अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाए चेहरे पे तब तक आप मसाज करते रहिए। एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तक तो आपको मसाज करना ही चाहिए जेल से। तो फ्रेंड हो गया मसाज, अभी आप एक कॉटन से या जैसे मैंने बताया जो आपके पास कॉटन का रुमाल है तो उससे आप अपने चेहरे को पोंछ दीजिए। सो फ्रेंड मेरा क्लीनअप हो गया, आपने देखा कि कितनी इजली से मैंने घर पे क्लीनअप कर लिया और कितनी और जो सामान थे से 4 सामान में मैंने अपना क्लीनअप कर लिया चेहरे पे। तो फ्रेंड मैं भी आपको यही बताती हूँ कि आप भी ऐसे क्लीनअप कीजिए घर पे। सो इट इज़ वेरी इजी टू डू क्लीनअप एट होम, मीन्स पार्लर जाने से अच्छा हम घर पे क्लीनअप कर ले तो ज़्यादा ही। तो ये एक अफोर्डेबल क्लीनअप था और आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।